हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, और इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, किस तरह के विचार इस पर्सन के मन में आ रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर किस तरह की बातें करता है ये पर्सन, और क्या कुछ है इसके मन में जो ये आपसे छुपाए हुए हैं बता नहीं पा रहे। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं, क्या ये पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या कुछ है इस पर्सन के मन में, पूरी क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। रीडिंग में एंड तक बने रहें, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स एंड एट ऑफ वांड्स। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की आपके लिए, तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं पर सोच विचार में लगा है। ये पर्सन कोई भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहता, कोई भी गलत एक्शन नहीं लेना चाहता। ये पर्सन चाहता है कि जब कभी भी ये पर्सन आपके लिए एक्शन लें तो आप इस पर्सन की बात को ध्यान से सुने, और ऐसा ना हो कि आप इस पर्सन को ही गलत समझ लें, इस पर्सन को घमंडी समझ लें, या फिर ऐसा समझ लें जैसे कि ये पर्सन पहले पास्ट में हुआ करते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी चीट कर सकता था। तो एक ऐसे ही पर्सन की यहाँ पर एनर्जीज़ हैं जिसके बारे में आपने जो विचार अपने मन में सोच रखे हैं, जो भी धारणा इस पर्सन को लेकर आपने बनाई हुई है, तो ये पर्सन उस धारणा को, उस विचार को आपके दिमाग से निकाल देना चाहता है। क्योंकि ये पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि ये पर्सन घमंडी नहीं है, इस पर्सन में बिल्कुल ईगो नहीं रहा। आपके जाने के बाद से तो ये पर्सन बहुत हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर पाए हैं, अपनी हैबिट्स को, अपने व्यवहार को इम्प्रूव कर पाए हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति की यहाँ पर एनर्जीज हैं जो इस वक्त ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें ना, इस पर्सन ने खुद को क्यों बदला या क्यों ये पर्सन इतना सोच रहा है एक्शन लेते वक्त, तो यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ के कार्ड हैं। इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ये अपने इनर स्ट्रेंथ को ना बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन खुद को असहाय और मजबूर महसूस कर रहे हैं, तो इस मजबूरी से ये पर्सन निकलना चाहता है। ये पर्सन पास में कोई ऑफर ठुकरा चुके हैं, ये जॉब का ऑफर हो सकता है या फिर आपका ही ऑफर हो सकता है, पर अब ये पर्सन पुनर्विचार करने लगा है। अब जब ये पर्सन पुनर्विचार कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अब इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि ये आपका सामना कर सकें, तो इस स्ट्रेंथ को बनाने में लगा है ये पर्सन और ख़ुद के हालात बदलने की कोशिश में लगा है ये पर्सन। तो यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस बात की तरफ ही इशारा है कि ये पर्सन खुद को असहाय सा महसूस कर रहे हैं इस वक्त, कि ये पर्सन जो चाहते हैं उसे कर नहीं पा रहे और सोच समझकर ही कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इस सोच विचार में ये पर्सन लगा हुआ नज़र आ रहा है। और अगर हम इस रिश्ते के फ्यूचर की बात करें ना, तो यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स एंड एट ऑफ वांड्स के कार्ड हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, ये पर्सन एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स, जो पैशन इस पर्सन के मन में है, वो ये पर्सन शो करने का सोच रहे हैं आपसे मिलकर, बात करके। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें क्लियर करना चाहता है, अपनी कुछ सफाई है जो इस पर्सन को देनी है, यानी कि कुछ क्लैरिटी आपको देनी है कि ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा था, या फिर अब ये पर्सन बदल चुके हैं आपके लिए, आपके प्यार के लिए, अब ये रेडी हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर इस पर्सन के मन में जो प्यार, जो फीलिंग, जो इमोशंस हैं, इन दोनों ही कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं। खासकर एट ऑफ वांड्स का कार्ड आप देख सकते हैं कि आपकी तरफ प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है। जो इस पर्सन लेजी हुआ करते थे, एक्शन नहीं लेते थे, अब ये पर्सन कम से कम एक्शन लेने की पोजीशन में आए तो हैं, ये पर्सन एक्शन लेने का सोच तो रहे हैं। इन फ्यूचर इस पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, ये पर्सन आ सकते हैं। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, वो दिन बहुत करीब है जब ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करके आपके साथ इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करने की बात करेगा। ओके, बस ये आपका डिसीजन होगा कि अब आपको क्या करना है। पर हाँ, ये पर्सन खुद को तैयार कर रहा है आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए और खुद को साबित करने के लिए। ओके, बस इस वक्त तो ये पर्सन इसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो विचार इस पर्सन के मन में आ रहे हैं वो इस पर्सन को आपकी तरफ पुश कर रहे हैं। इस पर्सन ने अपने बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस किए हैं और ये चेंजेस बहुत जल्द आपको इस पर्सन में नज़र भी आने वाले हैं। ओके, बस तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बोलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।